मेलबोर्न में पूरे दिन छाए रहे काले घने बादल और बारिश ने खेल दिया अपना अलग खेल जिसके चलते अब बिना मैच खेले ही किसी को मिला फायदा तो किसी को हुआ नुकसान जहां मुफ्त में बटे अंक और अचानक से बदल गया अंक तालिका का पूरा गुना भाग तो आखिर कैसे पूरे दिन में बारिश की मार से बदल गया है पॉइंट टेबल का समीकरण और अब किस तरीके से ग्रुप एक हो गया है और भी मजेदार ये सब जानने के लिए देखिए हमारा खास रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की धरती पर नीचे क्रिकेट फील्ड पर तो दो टीमों की टक्कर तो चल ही रही है ऊपर आसमान में भी अपना अलग खेल दिखा रहा है शुक्रवार के दिन मेलबर्न में मौसम अपना ही रंग दिखा गया जहां पर अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड और इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया दो बेहतरीन मुकाबले बिना टॉस और एक गेंद डाले बिना ही रद्द हो गया और नियमों के मुताबिक सभी चार टीमों के बीच एक एक अंक का सामूहिक बंटवारा कर दिया गया जिसके बाद जहां पर कुछ टीमों को ये मुफ्त के अंक फायदा पहुंचा गए तो वहीं किसी के लिए ये आगे का रास्ता मुश्किल भी कर गए क्योंकि आज के दिन दो वॉश आउट मुकाबलों के बाद अब अचानक से ग्रुप वन पूरी तरीके से खुल चुका है जहाँ पर अभी के लिए न्यूजीलैंड की टीम दो मुकाबलों में एक जीत और एक मुकाबला बेनतीजा रहने के बाद तीन अंक और बेहतर नेट रन रेट के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है और आज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मुकाबला रद्द होने का सीधा फायदा न्यूजीलैंड को मिल चुका है क्योंकि कीवी टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले एक मैच कम खेला है और उनके अंक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बराबर हो चुके हैं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला रद्द होने से इंग्लैंड को गहरा झटका लगा है जॉस बटलर की टीम तीन मैचों में एक जीत और एक हार और एक नो रिजल्ट के बाद तीन अंकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है और अब यहाँ से इंग्लैंड के लिए दोनों मुकाबलों में करो या मरो की स्थिति बन चुकी है ऊपर से इंग्लैंड का न्यूजीलैंड और श्रीलंका से होना है। ऐसे में उनके लिए अब सेमीफाइनल में पहुंचना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है वहीं पर तीन मैचों में तीन अंकों के साथ आयरलैंड इस ग्रुप में तीसरे पायदान पर मौजूद है और उन्हें आगे प्रोग्रेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराना होगा जो कहीं से भी आसान नहीं रहने वाला है वहीं पर इंग्लैंड से मुकाबला रद्द होने से ऑस्ट्रेलिया के भी तीन मुकाबलों में तीन अंक हो चुके हैं और उनके लिए भी अगले दोनों मुकाबले नॉकआउट बन चुके हैं लेकिन एरन फिंच की टीम के लिए अच्छी बात ये है कि उनके आखिरी दो मैच आयरलैंड और अफगानिस्तान से बचा हुआ है जहां पर मेजबान को काफी बड़ा एज रहेगा और ऑस्ट्रेलिया उन दोनों मुकाबलों में अपना नेट रन रेट बेहतर भी करने में कामयाब हो सकती है जबकि श्रीलंका इस ग्रुप में अब तक सिर्फ दो मुकाबले खेले हुई है और उनको दो में से दो अंक हैं। अगर उन्हें सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उन्हें सीधे सीधे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराने की जरूरत होगी अगर इन दो में से एक भी मुकाबला श्रीलंका हारती है तो उनका सफर वर्ल्ड कप में लगभग खत्म हो जाएगा जबकि टेक्निकली अफगानिस्तान अभी वर्ल्ड कप ऐसी बाहर नहीं हुआ है लेकिन पहले न्यूजीलैंड और आज आयरलैंड के खिलाफ उनके दोनों मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए और ऐसे में तीन मुकाबले में केवल दो अंकों के साथ ये टीम सबसे आखिरी पायदान पर है और शायद अफगानिस्तान का सफर इस वर्ल्ड कप में यही पर खत्म हो चुका है उधर ग्रुप टू में कल पाकिस्तान के हारने से काफी कुछ बदल चुका है ग्रुप टू में अब इंडिया दो में से दो मुकाबले जीतकर कर चार अंकों के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है जबकि साउथ अफ्रीका ने भी एक बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की और दो में से एक जीत और एक एक मुकाबला रद्द होने के बाद तीन अंकों के साथ साउथ अफ्रीका दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है जबकि पूरे ग्रुप में साउथ अफ्रीका का सबसे मजबूत नेट्रॉन रेट हो चुका है वहीं पर पाकिस्तान को हराकर एक झटका देकर जिम्बाब्वे दो मुकाबलों में एक जीत और एक बेनतीजा रहे मुकाबले के बाद तीन अंकों के साथ तीसरे पायदान पर अपना कब्जा कर लिया है और उनका नेट्रॉन रेट भी पॉजिटिव जीरो, जीरो का हो चुका है इसके बाद बांग्लादेश दो में से एक जीत और एक हार के बाद दो अंकों के साथ चौथे पायदान पर खिसक गए है वहीं पर पहले भारत और अब जिम्बाब्वे से हार कर पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में वापसी की राह मुश्किल हो चुकी है और ये टीम नीचे से दूसरे पायदान पर लटकी हुई है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान को अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे और फिर इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दूसरे नतीजों पर भी निर्भर रहने की जरूरत बन गई है जबकि नीदरलैंड इस ग्रुप में आखिरी पायदान पर खड़ी है और उनके लिए अब लड़ाई आगे बढ़ने की नहीं बल्कि इस ग्रुप में से कोई एक मुकाबला जीतने की रह गई है ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सी चार्टी में यहाँ से आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रही हैं हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें